सभी को इंद्र भाई के राम राम, क्या हाल चाल है। तो आज हमारे हाथ लगी है नॉइस किक स्मार्ट वॉच, जो कि अभी लॉन्च है आइकन 4 करके, और ये 2000 रुपए की प्राइस सेगमेंट में वॉच लॉन्च करी है। इंटरेस्टिंग बात ये बन जाती है कि अब ये प्राइस पे आप देखेंगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्टीफ है। आप देखेंगे नए नए ब्रांड्स की तरफ से आपको वॉचेस मिल जाती हैं, कुछ जो पुराने ब्रांड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, फायरबोल्ट हो गया, नॉइज हो गया, बोट हो गया, ये भी काफ़ी अच्छी वॉचेस इस प्राइस पे लेकर आए थे, बट ये कहाँ पे कम्पीट करती है उनको, तो देख लेते हैं इस वीडियो में। तो डब्बा जो आपको नॉर्मल पैकेजिंग को जिस तरह की मिल जाती है, इसमें कुछ ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है, कुछ की हाईलाइट्स दे रखे हैं। एंड पैकेज के तौर पर आपको वॉच मिल जाती है, कागज के तौर पर आपको वारंटी कार्ड मिलेगा, जो कि सबसे काम की चीज़ है, तो उसको जरूर से क्लेम कर लेना। बाकी साथ में आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप वॉच को चार्ज कर पाएंगे। बात करें सीधे वॉच को लेकर, तो डिज़ाइन जो है काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा रखा है, और आपकी प्रीवियस जनरेशन वाली जो स्मार्ट वॉचेज आती हैं, कुछ उस तरह का ही डिज़ाइन रखा है। यहाँ पर अच्छी बात बस इन्होंने क्या करी है कि जो फ्रेम है वो काफ़ी सॉलिड नजर आ रही है, मेटलिक फ्रेम जो यहाँ पर दी है इन्होंने। इवन जो इसके स्ट्रैप्स वगैरह जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी आपको अच्छी मिल जाती है। और ये स्पेशली जो मेरे पास कलर आ रखा है, ये है टैंगी ऑरेंज वाला कलर, जो यहाँ पर इन्होंने एक्सक्लूसिव लॉन्च किया है। वैसे ये वाले कलर के बैंड हम लोग दूसरी ब्रांड्स की वॉचेस में देख रखे हैं, वो डिज़ाइन वाले जिगजैग शेप में आते हैं, बट यहाँ पर ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। इसमें आपको एक रोटेटिंग बटन प्रोवाइड कर रखा है, नीचे आपको सेपरेट बटन दे रखा है जो कि डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड के लिए, तो उसको दबाएंगे तो डायरेक्ट स्पोर्ट्स मोड खुल जाते हैं। पर जो खास बात है वो है इसका डिस्प्ले, यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, और जो साइज यहाँ पर डिस्प्ले का है वो है आपका 1.96 इंच, यानी कि 1.96 इंच का एमोलेड डिस्प्ले आपको इस वॉच में मिल जाता है। और इसकी ब्राइटनेस को लेकर अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो ब्राइटनेस भी अच्छी है। आउटडोर सिनेरियो में भी अगर आप वॉच को यूज़ कर रहे हैं, बेफिक्र होकर आप यूज़ करें, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही बेजल्स काफ़ी कम नज़र आते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी मुझे कि यहाँ पर जो कलर्स हैं वो काफ़ी पंची निकल कर आते हैं, तो आई कैन से कि डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डेफिनेटली अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। और इसमें आपको इवन जो वैगेशर वाली चीज़ है वही प्रोवाइड कर रखी है, AOD भी मिल जाता है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे ऑन कर सकते हो। वाटर रेटिंग को लेकर बात करूँ तो IP68 रेटिंग आपको हमें मिल जाती है वॉच में, तो डेफिनेटली आप अगर स्विमिंग पूल वगैरह में जा रहे हैं तो उसको पहन के जा सकते हैं बेफिक्र होकर। शावर ले रहे हैं या फिर आप वर्कआउट कर रहे हैं, स्वेट आ रहा है, तो बेफिक्र होकर आप इसको चलाएं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही बैटरी परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी क्लेम कर रही है कि 10 दिन तक चल जाती है वॉच, बट एक्सपीरियंस वाइज बता रहा हूँ 3 से 4 दिन तक आपको ये वॉच एक चार्ज में परफॉर्मेंस दे देती है। अगर आप कॉलिंग फंक्शन यूज करते हो तो यहाँ पर 2 दिन, इससे ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस की बात करते हो, सेंसर भी कहीं ना कहीं बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ पर आपको बॉटम में सारे सेंसर्स दे रखे हैं, SPO2, HR और एक्सेलेरोमीटर, ये 3 सेंसर आपको देखने को मिलते हैं। कोई भी अभी यहाँ पर सेंसर्स में अपग्रेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसके अलावा तो यहाँ पर जो UI है वो आपको पुरानी वाली नॉइस की देखने को मिलती है, जिसको लेकर थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्द ये कोई नई UI पे काम करे और उसको लेकर आए मार्केट में, थोड़ा चेंज कहीं ना कहीं वो जरूरी है। अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो किसी भी वॉच से तो कहीं ना कहीं वो फील आना चाहिए आपको वॉच को यूज करने का, तो वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कम लगा। बाकी चीज़ों को लेकर बात की जाए, टॉप आपको सर नोटिफिकेशन रीड हो जाती है, बॉटम में आपका टॉगल बटन है, राइट साइड से स्वाइप करने में आपका हेल्थ वाला जो सेक्शन है वो ओपन हो जाता है, और इसके क्राउन को रोटेट करेंगे आप यहाँ पे तो आपके वॉच फेसेस जो है इजीली चेंज कर सकते हैं। बट अब फीचर्स को लेकर बात करते तो उसमें कुछ की फीचर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। सबसे पहला जो फीचर आपको देखने को मिलता है कि QR कोड के जो पेमेंट्स वगैरह हैं वो आप अपनी वॉच के थ्रू ले सकते हैं, यानी कि आपको QR कोड सेव करने का ऑप्शन दे रखा है। तो यानी अगर अपने फोन पे या फिर जीपे के अगर QR कोड सेव करते हैं इसमें, तो बस आपको वॉच दिखानी होगी और आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। इवन आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से QR कोड भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं, लाइक फॉर इंस्टाग्राम वगैरह या फिर व्हाट्सएप, तो कोई भी स्कैन करके आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। ये एक अच्छा मुझे कहीं ना कहीं फंक्शन लगा। बाकी तो कैलकुलेटर आपको देखने को मिल जाएगा इस वॉच के अंदर, ऑन वो छोटी मोटी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए। गेम्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो फ्री टाइम में यहाँ पे गेम्स वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए थोड़ा सा ये पार्ट कहने का इंटरेस्टिंग रहता है, तो यहाँ पर 2 गेम आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा AI वॉइस असिस्टेंट प्रोवाइड कर रखा है, तो अगर आपको कुछ भी कमांड वगैरह देनी है तो आप वॉच पर डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं अपने फोन के ऊपर। बाकी अगर हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात करें तो वही आपको यहाँ पे बेसिक सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लड ऑक्सीजन हो गया, आपका HR हो गया, स्लीप मॉनिटरिंग हो गया, एक्टिविटी वाली चीज़ें हो गया, स्ट्रेस मॉनिटरिंग हो गया, तो वो सारी फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती है। और रीडिंग्स की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं क्लोज टू क्लोज देखने को मिलती है, और नॉइस की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ट्रैकिंग के मामले में अच्छी है वॉच। बाकी इसके अलावा तो बेसिक फीचर चाहिए होते हैं आपको, जैसे कि अलार्म हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, टाइमर हो गया, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। म्यूजिक कंट्रोल करना है वो भी आप कर सकते हैं, कैमरा कंट्रोल की बात करें तो वो भी आपको मिलेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहते हो तो वॉच से आप वो भी कर सकते हैं। कैलेंडर भी इन्होंने यहाँ पर अब ऐड कर दिया, तो वो एक अच्छा पार्ट हो जाता है कि आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ें, यानी कि जो भी नोट्स वगैरह आपने बना रखे हैं वो कैलेंडर में आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक अटैच हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प हो सकती है। सेटिंग में चलते तो वॉच फेस हो गया, वाइब्रेशन हो गया आपका यहाँ पर, तो वो आप सेटिंग में चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ की आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि सबसे खास बात हो जाती है। तो अगर आप पासवर्ड लगाते तो कोई भी आपके प्राइवेट मैसेज जैसे कि OTP वगैरह कोई भी रीड नहीं कर पाएगा, तो ये कहने का एक एसेंशियल फीचर है जो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। बाकी कॉलिंग वाला फंक्शन मिल रहा है, जहाँ पर अगर आपको कॉल वगैरह करना है तो वॉच के थ्रू आप कॉल
कॉल कर पाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर अगर एप्लीकेशन को लेकर बात करूँ तो नॉइस की खुद की जो एप्लीकेशन है फिट वही आपको मिलती है, जिससे कनेक्ट करने के बाद आपको सारे फंक्शनैलिटी मिल जाएंगी। फेवरेट कॉन्टेक्स्ट वगैरह फिर सेटिंग्स वगैरह करनी तो वो आप वहाँ से कर पाएंगे। अभी कंक्लूजन की बात कर लेते हैं फाइनली कि वॉच वर्थ है कि नहीं। तो 2000 रुपये के प्राइस में अगर आप एक एमोलेड वॉच ढूंढ रहे हैं और देखो नॉइस जिसे ब्रांड पर ट्रस्ट करते हो तो फिर कहने के आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और मेरे साथ अगर आप नई वॉच खरीदने जा रहे हो तो आपको 2000 रुपये के प्राइस में बहुत सारे अच्छे ऑप्शन देखने को भी मिल जाते हैं, तो एक बार आप चेकआउट कर लेना कि आपके लिए क्या वैल्यूएबल है। बट ये वॉच भी अच्छी है, बुरी नहीं है, प्राइस के हिसाब से काफी जस्टिस करती है इसके फीचर्स को लेकर। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन। बाकी अगर आपको कुछ और सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और शेयर जरूर से करना, और नए आए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन आपके लिए दबा के जरूर से जाना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।